जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। सचिव परिषद जिंदाबाद। हम लोगों की ये अनिश्चितकालीन हड़ताल आज शुरू नहीं हुई है, बल्कि ये 20 अगस्त 2017 को शुरू हो गई है। हम लोगों ने उस समय जो हमारा मांग पत्र था वो ये था कि हमें राजकीयकरण किया जाए, हमारी वेतन का स्थायी व्यवस्था की जाए, सातवां वेतनमान सभी विभाग को मिल गया है, हम लोगों को नहीं मिला है, हमें दिया जाए और हमारा ग्रेड पे 2800 रुपये किया जाए। दूसरा, उन लोगों ने उस समय 10 दिन में हमारी हड़ताल तुड़वाई और रजिस्ट्रार साहब ने ज़बरदस्ती करके बोला कि आपकी मांगे 15 दिन में हम पूरी कर देंगे, आप लोग चले जाओ। हम लोगों ने उनका विश्वास करते अपनी हड़ताल को स्थगित करा और जिलों में वापस चले गए, काम करा। इस बीच में सरकार ने सहकारी सप्ताह मनाया, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया और दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत जो है यहाँ पे लागू हुआ, उसका हमने पूरा वितरण जो है कृषकों को ऋण किया। लेकिन 7 माह व्यतीत होने के बावजूद भी आज तक सरकार अपने उस जो उनका समझौता था उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। आज तो रजिस्ट्रार साहब ये कह रहे हैं कि वो समझौता पत्र था ही नहीं, तो हम रजिस्ट्रार साहब से ये पूछना चाहते हैं कि अगर आपका वो समझौता पत्र नहीं था तो अब हम आगे आप पे कैसे आपकी बातों पर विश्वास करें कि जो आप आज वादा हमसे करोगे वो वादा भी आप पूरा करोगे। दूसरी बात, जब हम लोग बीच में भी उनसे मिले कि आपने समझौता किया था, 3 महीने हो गए, फिर 6 महीने हो गए, फिर 5 महीने हो गए, उन लोगों के द्वारा आगे बढ़ाई गई डेट, हम लोगों ने उनको नोटिस दिया था 11 तारीख को कि हम लोग अगर आप नहीं मानेंगे, बहुत समय बीत गया है, 15 दिन का जो है 7 महीने हो गए, तो हम लोग बैठ जाएंगे। उसी क्रम में जब उन लोगों ने नहीं माना तो हम 19 तारीख से यहाँ पर बैठ गए हैं। साथ में अब हमारे जो कर्मचारी साथी थे, अकाउंटेंट परिषद था, वो लोग बहुत लंबे समय से जो है वेतन की समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन लोगों को जो है उनकी बहुत विसंगति है वेतन में, किसी को 2000 मिल रहा है, किसी को 4000 रुपये मिल रहा है, और युवा लोग हैं, उनका भविष्य जो है सरकार ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। तो अब उनकी मांग है कि उनको जो है जिला कैडर उनका बनाया जाए, उनको जो है सही वेतनमान जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है न्यूनतम वेतनमान वो दिया जाए और उनका जो है वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नत सचिव पद में किया जाए। तो हम दोनों ने संयुक्त रूप से यहाँ पर बैठ गए हैं। 19 तारीख से आज चौथा दिन हमारा हड़ताल का है। हम इस सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अगर आपकी दीनदयाल उपाध्याय योजना जो आपने कृषकों के भले के लिए करी है उसको इम्प्लीमेंट करने वाला देहरादून में बैठा रहेगा तो कैसे जो है जिलों में और क्षेत्र में जो है वो योजना आपकी चलेगी। दूसरी बात, खाद व्यवसाय, ऋण व्यवसाय और मिनी बैंक का व्यवसाय आज पूरी तरह से ठप हो गया है। सहकारिता जिसको जो है सरकार जिसका बहाना करके बोल रही है कि हम लोग जो है कृषकों को फायदा करा रहे हैं, उनकी आय को हम दुगनी करेंगे, उस सहकारिता को चलाने वाला देहरादून जिले में आ गया है। लेकिन सचिव, इनको सचिव सहकारिता से आज हमारी वार्ता हुई, सचिव सहकारिता महोदय ने बोला कि आप लोग जो है टेंट को उखाड़ के घर चले जाओ, आपकी मांगे हम कर रहे हैं और ये झूठे वादे हमको कर रहे हैं। और आज जो है सारा कृषक, जितना भी कृषक जो है प्रदेश में है, वो सारा ये सोच रहा है कि समितियां कब खुलेगी, हमको कब खाद मिलेगा, हमको कब बीज मिलेगा। लोगों का 2000 करोड़ मिनी बैंकों में जमा है, मिनी बैंकों में पैसा, वो पैसा लोगों का फंस गया है। किसी की लड़की की शादी है, वहाँ से फोन आ रहे हैं, लेकिन इसके जिम्मेदार हम नहीं है, इसकी जिम्मेदार जो है ये राज्य सरकार है, ये सहकारिता विभाग है। इसने जो है पूरा तंत्र सरकारी बना रखा है और जो इम्प्लीमेंट काम को करेगा, जो सचिव जो कर्मचारी काम को करेगा, वो जो है किसी का कर्मचारी नहीं है। पहले हम इस विभाग से ये पूछना चाहते हैं कि वास्तव में सचिवों का, अकाउंटेंटों का जो नियोक्ता कौन है, इसका मालिक कौन है, इसको वेतन देने का अधिकार किसका है, जब ट्रांसफर ये कर रहे हैं जो है और कार्रवाई ये कर रहे हैं तो इनको जो है वेतन देने के लिए भी अपनी जिम्मेदारी जो है तय करनी पड़ेगी। तो मांगों के लेके अभी तक सरकार की तरफ से कुछ बात से हमारी 3 बार वार्ता हो चुकी है, 2 बार रजिस्ट्रार साहब के साथ हमारी वार्ता हो गई है, आज सचिव सहकारिता से हमारी वार्ता हुई है, लेकिन वार्ता विफल रही है क्योंकि इन लोगों का कहना है कि बिना कुछ ही करे आप लोग घर को चले जाओ, ऐसा नहीं होगा, हम लोग डटे रहेंगे
हमको स्थायित्व चाहिए। हमारी अब धीरे धीरे दो मांगे बनने वाली है, कुल मिला के हमारा राजकीयकरण हो और अकाउंटेंट साथियों का जिला कैडर बने, बस हमारी अब तीसरी मांग नहीं है। जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती है, यहाँ पे दो महीना रहना पड़े, दो साल रहना पड़े, आत्महत्या करनी पड़े, आमरण अनशन करना पड़े, सब लोग साथी तैयार हैं, सब जिलों से यहाँ आ रहे हैं और देहरादून में जो है हम जो है इस सरकार की टेंशन को बढ़ाने वाले हैं।